पुलिस स्टेशन में घुस के पुलिस वाले को मारेगा तेरी तो भाग के कहां जा रहा था? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बताता हूँ सर, बताता हूँ। एक ग्रुप से मुझे कॉल आया था, उस इंस्पेक्टर की डिटेल्स देकर उसे और उसके बाकी पुलिस वाले साथियों को खत्म करने के लिए कहा था, इसलिए हम लोगों ने खत्म कर दिया सर। ए, तेरी तो ग्रुप ने कॉल किया, हमें कहानी सुना रहा है क्या तू? बकवास कर रहा है ना, तो भेजा उड़ा दूंगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, हमें कॉल आया था मैडम, इंस्पेक्टर एक लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है। उनके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले लड़की को बचाकर इंस्पेक्टर और उनके बाकी साथियों को खत्म करने के लिए कहा मैडम, वरना हम लोग पुलिस वालों को क्यों मारते सर? हाँ रवि, उस गन शूट को लाइव रिकॉर्ड करने वाले रिपोर्टर को शक के बिना पे अरेस्ट करके उठा करके ले आओ। उस रिपोर्टर ने ही मिनिस्टर और टेररिस्ट की फोटो को अपलोड किया था, अगर उसको पकड़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। पुलिस वाले को खत्म करोगे? कम ऑन, हरी अप। भवानी तुम ही हो ना? हाँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रही है? ए, कौन हो तुम लोग? ही हम पूछ रहे हैं, कौन हो तुम? Tell me who is the reporter, Bhavani? I'm from CBI. Get seats. They have the Indian government permission to take her to law. Looks like the first time she has been handcuffed. You are right. Yeah. भवानी, ये लोग जो भी सवाल पूछेंगे उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना, तब तुम सेफ होगी। तुम मीडिया में हो इसलिए सिक्योर हो, इस गलतफहमी में मत रहना। तुम्हारे अरेस्ट होने की खबर न्यूज में भी नहीं आएगी और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऑफिस के चार लोग फेसबुक पर व्हाट्सएप पर डालेंगे, उसको 10 लोग शेयर करेंगे, इतना ही होगा। तुम लापता हो गई ऐसी एक कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे। तुम जिंदा हो या मर चुकी हो, बाहर किसी को पता नहीं चलने वाला। Don't try to leave out anything. No tricks. सर, आपके इटली टूर पर जाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, आज के दौर में अगर अपने देश को सुरक्षित रखना है तो सारे देशों से दोस्ती रखनी होगी, और सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। दूसरे देशों से मिलके हमें अपने देश के व्यापार को भी बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इट्स सच कंपनी, कम्स अप, हाउ मेनी पीपल विल गेट। क्या बात है, बाहर खड़ी हो तो? हमारे देश में दूसरे देशों का इन्वेस्टमेंट, हमारे देश के राजनेता जनता को ओनर बनाने वाले हैं क्या? इटली जाकर मजदूरी करने वाले हमारे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, आप लोग ओनर बन जाओ ऐसा ही कहेंगे। इसके अलावा और कोई नई बात कहने वाले हैं क्या? ये सब लोग आम नेता नहीं हैं, बहुत ईमानदार हैं। मैंने इनकार नहीं किया है। फिर जर्नलिस्ट की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बर्ताव करो। मेरी जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में आखिरी जर्नलिस्ट कौन थे पता है? मेरे पापा, और उन्हें गुजरे 7 साल हो चुके। इसका मतलब तेरा भाई जर्नलिस्ट है तो मानेगी नहीं? कौन ये? ये तो पेज 3 पर गॉसिप लिखकर पैसे कमाते हैं बस। मतलब तू भी जर्नलिस्ट नहीं है क्या? अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो गौरी जैसे लोगों को तू क्या कहेगी? मैं बताऊंगी तो मुझे नौकरी मिलेगी क्या? मैं जिस जगह पर रहती हूँ वहाँ के लिए न्यूज बनाती हूँ, और उसके बदले मुझे तनख्वाह मिलती है, बस इतना ही। एक पब में कॉलेज पढ़ने वाली लड़की को एक बुड्ढे ने पटाने की कोशिश की, इस न्यूज को लोगों ने पढ़ा। लेकिन एक गेस्ट हाउस में कई लड़कियों को रखकर उन टॉर्चर सहने वाली लड़कियों के बारे में पता करके मीडिया वाले उनका वीडियो बनाकर न्यूज तैयार करके उन्हें बचाने की वजह बने क्या? नहीं ना। तालाब को बचाना है, नदी को बचाना है, झरने को बचाना है, लोग इन मुद्दों पर स्टेज पर भाषण देते हैं। गवर्नमेंट्स के नए नए रूल्स लागू होते रहते हैं। अभी हाल में ही नरेश नगर में तालाब को भरकर IS वालों को क्वार्टर्स बनाकर दिए। उस बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में किसी भी जर्नलिस्ट ने लिखा है क्या? सारे फ्लैट्स में गवर्नमेंट ऑफिसर ही मालिक होते हैं, इतना काफी नहीं है क्या? पूरे तालाब को कंपाउंड बनाकर रख दिया। नालायक कहेंगे।
अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो जिस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो न्यूज छाप कर लोग खुद को जर्नलिस्ट कहते रहेंगे और खुद की तारीफ करते रहेंगे बस। चला। कैसे कैसे लोगों से लड़कियां पढ़ जाती हैं, मुझसे तो कोई लड़की पढ़ती ही नहीं। बैड टाइम। पेपर्स कहाँ हैं? वो नहीं है सर। लाइसेंस निकाल। सर सर बाकी सब है। ठीक है ये रख। सर छोड़ दो सर। क्या है? चेंज सर प्लीज। कितना दिया तूने? 500 रुपए। क्या केस था? हॉस्पिटल जाना है। हेलमेट नहीं था। तेरे सर की कीमत सिर्फ 500? सर ने कहा है 100 रुपए देने को। हेलमेट भी नहीं पहना और जेब में खुले पैसे भी नहीं। पुलिस वालों को मजाक समझ रखा है क्या? सर चल निकल। हट के रुकिए। चलो साइड में लगाओ। क्या करते हैं आप? पेनल्टी देनी होगी। मीडिया में जाइए जाइए। ए चेक कर। ओके सर। तेरे पास लाइसेंस नहीं है? अरे सुनो इधर दो। पीयूसी निकालो। पीयूसी को मारिए। ऐसे बोलने से काम नहीं दिखा। तीन तीन लोग जा रहे थे ना। मैडम इधर आइए। देखा मैंने। नाम क्या है? भवानी। भवानी काम क्या करती हो? अच्छा। रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर हो? पहले आईडी दिखाओ। थर्ड आई प्रेस रिपोर्टर भवानी। रिपोर्टर का इस समय बाहर क्या काम? इस समय पुलिस का क्या काम है सर? कहीं क्राइम ना होने पाए इसलिए राउंड पे हैं हम लोग। कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा ये देखने के लिए मैं भी राउंड्स पर हूँ। संभल के कहीं क्राइम की वजह तुम ही ना बन जाओ। मैं? और क्या, कोई भी तुम्हें देखेगा तो रेप करने का मन करेगा? ऐसे किसी का मन नहीं करेगा। मेरा मन कर रहा है ना। क्यों? दिखने में एकदम फिट लग रही हो, सेक्सी भी हो। मिडनाइट का टाइम है इसीलिए। ओह मिडनाइट है तो आप पुलिस वालों को रेप करने का मन कर रहा है क्या? तुम पुलिस वाले जनता के गुलाम हो ना, और आपका काम है जनता की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना। रिपोर्टर हो ये बात भूल जाऊंगा। स्टेशन ले जाकर पूरी रात बिठा के रखूंगा। जा। कौन है यहाँ पर रिपोर्टर भवानी? ए, तू भवानी है या दुर्गा है हमें देखना है। क्या लीजिए? भवानी का मतलब देवी नहीं होता है, डेयरिंग भी होता है। लीडर का मतलब नायकी। भवानी लीडर का पूरा मतलब लड़कियों की लीडर, और वो मैं ही हूँ। हे, इसको मारने के लिए 5 आदमियों को भेजा है, उनमें से 100 लोग लाइक करते हैं और 20 लोग शेयर करते हैं। ऐसे ऑनलाइन चैनल में काम करने वाली रिपोर्टर देखो कैसे बैठकर पोज दे रही है। सिर्फ 100 लोगों के देखने वाले ऑनलाइन चैनल पर मैंने अपलोड किया तो तुम सब लोग इतने टेंशन में क्यों आ गए? वो कितने बड़े इंसान है ये जाने बिना तूने वीडियो डाल दिया। शायद तुम नहीं जानते लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कौन है और तू कौन है। तू औरत है इसलिए रहम कर रहा हूँ, वरना तुझे यही खत्म कर देता। तू मर्द है इसका लिहाज नहीं करूँगी, नंगा करके भगाऊंगी तुझे। तू लड़की पैदा क्यों हुई? तू इसके हाथों में क्यों फंसी ये सोचकर रोएगी तू? एक लड़की को रुलाने के लिए सिर्फ धमकियां देना काफी नहीं है, उसे वहाँ भी मर्द होना चाहिए और यहाँ भी।
ए, इधर क्या कर रही हो तुम? अंदर जाकर पढ़ाई करो। जब तक हम फंक्शन से वापस ना आए हिल्ला मत, ऊपर जाके उससे बात मत करना। आ जाओ। कैसे बुआ, मैं हूँ, आपको कैसे पता चला? तुम्हारी माँ जो सड़े हुए वड़े से सालन बनाती है ना, उसकी महक जब तुम सीढ़ियाँ चढ़कर आ रही थी तभी आ गई थी। अरे हाँ, आज ऊपर आने की हिम्मत कैसे हो गई? मम्मी पापा बाहर गए इसलिए। बैठो, ये लो खाओ। छोटा भाई कहाँ है? उसने डर के मारे आने से मना कर दिया। चॉकलेट दूंगी मम्मी पापा को मत बताना, ये कह के उसे कन्विंस करके आई हूँ। बोलो। नहीं, वो मुझे आपकी तरह बनना है। मेरी तरह? मेरी तरह क्यों? क्योंकि आप एकदम क्लियर और बोल्ड है ना। पापा को देखकर सब लोग डरते हैं, उनके फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी भी, और कभी कभी माँ भी, लेकिन एक आप ही है जो उनसे डरे बिना उन्हें हे भैया कहती हैं। सिर्फ तुम्हारे पापा को ही नहीं, मैं अपने पापा को भी हे पापा कहकर बुलाती थी। मैं किसी से नहीं डरती। रियली? मतलब ये तो बहुत मुश्किल है। उन्होंने वर्क टेंशन में ऐसा बोल दिया। मैडम, इस वीडियो को रिमूव कर दीजिए प्लीज। अगर काम की टेंशन है तो नौकरी छोड़कर चले जाओ, कोई दूसरा जो बेरोजगार है वो आकर ज्वाइन कर लेगा ना। इस वीडियो पर जो कमेंट्स आए हैं उसे शांति से बैठकर पढ़ो। ये पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आम जनता का ओपिनियन है। तुम वफादारी और ईमानदारी से काम करते हो, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। दिन रात पब्लिक की सेवा में लगना पड़ेगा तुम लोगों को। स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर खुद ही एक दूसरे के गले में मेडल्स पहना देते हो तुम लोग। पब्लिक तुम लोगों को जरा भी इज्जत नहीं देगी। ए, क्या इतनी देर से बात कर रहा है? साफ साफ बता, वीडियो रिमूव करेगी या नहीं? नहीं करूंगी। हाय, तू पक्का किसी केस में फंसेगी। उस दिन तुझे पुलिस स्टेशन में लाके तेरे कपड़े उतार कर तुझे बैठा के रखूंगा, याद रखना। सर, इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं सर। जब फंसेगी तब बताऊंगा। सब कुछ खत्म हो गया। सुनो, सुनो, मेरी बात तो सुनो। प्रिया, मैं बोल रहा हूँ। प्रिया, उसे प्रिया, ए, इधर आ। प्रिया, अरे मैं कहता हूँ छोड़ो, छोड़ो इसे। अरे सुन क्यों नहीं रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो तू? उसको कुछ पता नहीं है। देखो, तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। तुम इधर आओ, यहाँ खड़ी हो, यहाँ पे। भैया, बैठो ना। कुछ खाओगे क्या? करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरे के साथ होता तो उस न्यूज को हॉट न्यूज लिखकर चला आता मैं। वही जब अपने साथ होता है तो उस दुख का एहसास होता है। एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का कॉल करके कह रहा है कि तेरी बेटी का वीडियो भेज रहा हूं, देखो। और वो कंटिन्यू भेजता जा रहा है। ये शनि हमारे लिए वरदान है या श्राप? इस बारे में उससे बात की क्या? वो 16 साल की बच्ची से क्या पूछूं? उसे मैं डांटूं या मारूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तो न्यूज बन जाएगी, इसी बात का डर है। अच्छा, तुमने वो वीडियो देखा? मैंने एक वीडियो प्ले किया।
उसने कोई कपड़े नहीं पहने, इसीलिए मैंने उसे ऑफ कर दी और वो कंटिन्यू भेजता जा रहा है, मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। मैं देखती हूँ, सिर्फ उसका नंबर दो। कोई न्यूज ना बने इसका ध्यान रखना। तुम यहीं पर रुको, हाँ? मैं आती हूँ। नाम क्या है तेरा? आनंद नारायण। बाप क्या करता है? ऑडिटर। तेरी माँ ने सिखाया नहीं कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? कि शक्कर खिलाकर परवरिश की है तेरी, लड़कियों के पीछे मजनू बनकर घूमता है। बोल। 6 महीने पहले ही हम फेसबुक पर फ्रेंड बने थे। उस दिन से उसने बहुत क्लोजली बात की मुझसे, मैंने भी बात की, किस दिन मिलेंगे ऐसा मैंने पूछा। उसने पूछा क्यों? मैंने उसे बिना कपड़ों के देखने को कहा। वो वीडियो बनाकर भेजती है, वो देखकर मुझे सामने से मिलने का मन हुआ। मैंने कंपल किया तो उसने 1 वीक के लिए ब्लॉक कर दिया। तो फिर उसके पापा को कॉल करके। इधर रख, चाय पी, आती हूँ। बिना कपड़ों के देखता है, अच्छा हुआ तो इसके हाथ लग गया। तुम उसे पहचानती हो? नहीं तो बुआ। तुम्हारा फेसबुक आईडी क्या है? मैं तो फेसबुक पे हूँ ही नहीं। फेसबुक पर नहीं हूँ? ठीक है, खाओ, मैं आती हूँ। वो कह रही है कि फेसबुक पर नहीं है। आप खुद ये आईडी देखिए। जो वीडियो भेजा है वो भी दिखाता हूँ। चेहरे के अलावा बाकी सब दिखाती है। मैं तुझे फोन करती हूँ। क्या बात है बुआ, गुस्से में हो? ड्रेस उतारो। बुआ उतारो। उतारो ना, उतारो। पूरी उतारो। Thank you.
पीछे घूमो। ड्रेस पहनो। तुम्हारी फ्रेंड से मिलना है। बारे में बताती है, हम सब आपके फैन से बुआ। जब आपकी फोटो देखी थी तो हमें थोड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन आप तो बहुत सुंदर हैं। आपके एंटी पोज तो कमाल के थे, बहुत सारे कमेंट्स लिखे थे, आपने देखा या नहीं? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, तुम रेस्टो में वेट करना। आ गए क्या? वेट कीजिए, आती हूँ। बैठो। सुष्मिता, इस ओटीपी को नोट करो। 1902, कार नंबर 1399। बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम जाओ। सुष्मिता, सॉरी बेटा। आपने ऐसा क्यों किया बुआ? सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं, जाओ। मुझे यहां क्यों लेकर आई बुआ? नेहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हारा फेसबुक आईडी क्या है? नेहा आनंद। बोलो, दूसरी आईडी क्या है? दूसरी आईडी नहीं है बुआ। नेहा, मुझ पर भरोसा करो। बुआ, तुम्हारी पीठ पर जो मस्सा है वो मैंने वीडियो में देखा था। सॉरी बुआ, मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ तो लड़के दूसरी लड़कियों को देख के कमेंट्स करते हैं, पर मेरी तरफ तो कोई देखता तक नहीं है बुआ। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेरी आईडी पर एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी बुआ। मुझे बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, इसीलिए सुष्मिता की फोटो लगाकर उसके नाम से एक आईडी बनाई। लड़के मेरे साथ कंटिन्यू चैट करे, इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भेजे। मेरा फेस देख के पता चल जाएगा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसीलिए मैंने फेस रिवील नहीं किया। पर सुष्मिता को बदनाम करने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया।
किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम्हारा वीडियो देखा मैंने, कितनी खूबसूरत हो तुम, पता है? खूबसूरती का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। अगर तुम्हें अपने आप को बदलना है तो ये जो दांत है थोड़े अंदर करने होंगे। मन लगाकर पढ़ाई करो, बहुत सारा पैसा कमाओ, दांत बदल सकती हो, चेहरे का रंग बदल सकती हो, यहाँ तक कि चेहरा भी बदल सकती हो। मैंने पापा से बात की थी और पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो इंडिया आते ही मेरे टीथ को क्लिप्स लगवा देंगे, लेकिन उनको वहां किसी ने शूट करके मार दिया। अब मेरी माँ को मेरी फीस तक भरना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए टीथ के क्लिप्स नहीं लगवा पाई। दर्द हो रहा है? अगर तुम्हें खूबसूरत दिखना है तो थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा, जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ, दांत ठीक होने के बाद तुम्हारी खूबसूरती देखकर पीछे आने वाले लड़कों को भाव मत देना। सुष्मिता के नाम पे जो फेसबुक आईडी बनाई है मैं उसे क्लोज कर देती हूँ। पासवर्ड मुझे दे दो, मैं खुद क्लोज करूंगी। बताओ। क्लियोपेट्रा। ठीक है चलो, क्लियोपेट्रा। फेसबुक का नाम तक बदल देंगे लगता है ये लोग। इस समय हेलो, पता नहीं इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, कंटिन्यू 18 घंटे से सिर्फ और सिर्फ सेक्स कैसे करना है इस बारे में चैट किए जा रहे हैं। इसमें से तो 8 लोग शादीशुदा हैं, पता है? ये लोग यहाँ 1 घंटे से सेक्स के बारे में चैट करने के बजाय अपनी बीवी से बात करते हैं तो कुछ भला होता। मंदिर और चर्च में भी लड़कियों के पीछे दुम हिलाने वाले लड़कों को अगर फेसबुक पे कोई लड़की मिल जाए तो छोड़ेंगे क्या उसे? एक लड़की से सेक्स के बारे में बात करने के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या इन्हें? तू टेंशन मत ले, जाके सो जा। अच्छा, तू इस वक्त सोने के बजाय जाकर क्या कर रही है? कुछ नहीं, सुबह कॉल करती हूँ। ओके बाय। तुम्हें ये सब बेवजह के काम क्यों चाहिए? ठीक है, फिर क्या करना चाहिए बोलो। मतलब मेरी बेटी का उस फेसबुक आईडी से कोई संबंध नहीं है? अगर ऐसा है तो उस लड़की के घर में या स्कूल में कंप्लेंट देते तो अपना काम हो जाता ना। ये सब करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इस बारे में अपनी बीवी के साथ डिस्कस किया या नहीं? मनोज कहेगी कुछ भी करती हूँ पता चल जाता है इसे। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, मैं सब देख लूंगी। ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही तुम्हारी बेटी को, ये मेरा काम है, तुम जाओ। हे भैया, डरो मत। क्या लक है तेरा यार, जैसा कहा था एकदम सही टाइम पर आ गई है। रूम नंबर 1030 में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, यस। तू भी आ गया क्या? आजा आजा आजा। अरे ये चल जाके बैठ। तू फंस गया यार। आनंद नारायण, तू भी जाके बैठ जा, जा। इतने लोगों ने मार खाई है क्या? पर जितनी मैंने खाई है उतनी किसी ने नहीं खाई होगी। क्या हुआ? ये लोग कौन है बुआ, आते ही जा रहे हैं। वेट करो। और कितनी देर खड़ी रहूं यहाँ
पर पैरों में दर्द हो रहा है। अपनी बुआ की तरह बनना है ना तुम्हें। रुको, 17 लोग आ चुके हैं, बस एक का आना बाकी है, उसके आते ही तुम भी आ जाना। ठीक है बुआ। इस काम के लिए भी इंटरव्यू लेते हैं क्या? आ जा। टच नहीं करने का, मैं ब्रह्मचारी हूँ, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। चल। सब लोग सामने आकर इकट्ठे हो जाओ। इन सब में से तुम किसी को जानती हो क्या? नहीं जानती। किरविल देखा है तुमने? देखो, तुम सब लोग इसे जानते हो, ये बात मुझे पता है। तुम सभी 18 लोगों ने बहुत ही चालाकी से सेक्स कैसे करना है इस बारे में डे नाइट चैट की, पर वो लड़की ये नहीं है, बल्कि इसकी फोटो यूज करके आईडी क्रिएट करने वाली कोई दूसरी लड़की है। तुम सोच रहे होगे इस बारे में मुझे कैसे पता चला? उस आईडी से लास्ट 1 वीक से तुम्हारे साथ चैट करने वाली मैं ही हूँ। उस लड़की के चेहरे के अलावा तुम सबने बाकी सब कुछ देखा। वो देखने के बाद तुम्हारे साथ चैट करने वाली ये नहीं है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं इसे वॉर्न करके उस आईडी को क्लोज करके उसे ऐसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। अगले 10 सालों के बाद आप अपने बेटे का रिश्ता इस लड़की से करवाने जा सकते थे, या फिर अपने भाई के लिए लड़की देखने जा सकते थे, कहीं और से भी इसके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकते थे। ये आपको कॉलेज में मिल सकती है, स्ट्रीट में मिल सकती है, थिएटर में मिल सकती है, और इसे गलत समझकर तुम इस लड़की के करीब नहीं आओगे। यही बात समझाने के लिए मैंने ये रूम बुक करके तुम सबको यहाँ बुलाया है। तुम जिस लड़की को गलत समझ रहे हो वो ये लड़की नहीं है। तुमने जिस लड़की का शरीर देखा, उस लड़की के साथ सेक्स करने की तुम सबकी उम्र ही नहीं है, और ना ही उस लड़की के बारे में तुम सबको उतनी जानकारी है। इसलिए उसे भेजे हुए सारे वीडियोस और मैसेजेस डिलीट कर दो। अगर नहीं किए तो काट डालूंगी। मेरे लिए बहुत आसान है। तुम सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। सुष्मिता, चलो घर चलकर देख लेना। सभी अंकल्स को बाय बोल दो। बाय अंकल। तुम बाहर वेट करो। रंगाचारी मैडम, रूम का भाड़ा इन सबसे कलेक्ट करके मैं देता हूँ मैडम। सारे मर्द होशियार रहना, अगर एक लड़की ने ठान ली ना तो 18 नहीं 18 करोड़ मर्दों को हिला सकती है। थैंक यू। इन मैसेजेस की तरह इन लोगों को भी डिलीट कर सके तो कितना अच्छा होता। शिट, एक और। लगता है ये प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगी। आलम, मैंने इसे कैसे मिस कर दिया? फिर से शुरू करना पड़ेगा मुझे। चैन से सोए 1 हफ्ता हो गया है। तुम्हारी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं वॉइस नोट भेजता हूँ। 6 महीने में ही भूल गई मुझे? कैसी हो तुम? वाओ, फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ यही एक है। कहाँ से बात कर रहे हो?
इस जगह से। ए, कुछ भी मत बोलो। इसे सच्चाई बताकर आईडी क्लोज करूंगी तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कल देखते हैं। तू अगर अकेला है ना तो तेरी कहानी तो खत्म। खालिद, टारगेट रेडी? खत्म कर दो इसे, चलो। जल्दी 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 बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हमें जाना होगा। चलो, हाँ, इस बारी होगी। गुड मॉर्निंग। किसी नेटवर्क को इस्तेमाल ना करने की वजह से उन आतंकवादियों के लीडर का नाम भी पता नहीं चल रहा है, जिस वजह से इंटरपोल डिपार्टमेंट बहुत ही संघर्ष में है। इस आतंकवादी समूह को नेस्तनाबूद करने के लिए नई टीम का गठन किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसे कल आतंकवादियों ने उड़ा दिया था। ये कल शाम की घटना है, जब ये गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी तभी आतंकवादियों ने इस गाड़ी को उड़ा दिया। बहुत जल्द क्या है ये? रेस्क्यू टीम पहुंच। ये दोनों सेम जगह है ना? मैं तो इसे किसी का घर समझ रही थी, किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। वो रात थी ना, यहाँ तो दिन में अटैक हुआ है ना। वहाँ 8 o'clock को सनसेट होता है, इसका मतलब जब उसने पिक्चर पोस्ट की उसके 10 मिनट के बाद वहाँ अटैक हुआ। कहीं वो पिक्चर भेजने वाला कोई टेररिस्ट तो नहीं है? प्रभु ने आपको बुलाया है, जाइए। हाँ, वो पक्का टेररिस्ट हो सकता है। उस कंपनी वाले ने उस देश में 2 ऑयल रिफाइनरी कंपनी स्टार्ट करने के लिए आदमी को भेजा है। उसका मर्डर करने के लिए भूखे प्यासे सोए बिना गुस्से में रॉकेट लॉन्च करने की पोजीशन में रखने वाले टेररिस्ट फेसबुक पर तेरे साथ चैट कर रहे हैं। ये सोचकर तुझे अजीब नहीं लगता? मुझे लग रहा है कि वो कोई मिलिट्री मैन हो सकता है। मिलिट्री मैन का उस जगह से चैट करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच में हो सकता है। शायद कोई रिपोर्टर हो सकता है ना? रिपोर्टर? जान खतरे में डालकर न्यूज के लिए वहां पर? हाँ ठीक है ठीक है। वैसे इतना रिस्क लेके कोई न्यूज कलेक्ट करेगा क्या? मैं पता करती हूँ वो कौन है, कहाँ पर है, मिलिट्री मैन है, टेररिस्ट है या रिपोर्टर है, कॉमन मैन है या कौन है, पता लगा कर रहूंगी। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ठीक से पढ़ा करो। आलिम नाम का कोई लड़का तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में है? हाँ बुआ, मेरे पापा वहाँ काम करते थे ना, इसीलिए मैं उससे चैट करती थी। कैसा इंसान है वो? उन 18 लोगों जैसा नहीं है बुआ, बहुत ही डिसेंट गाय है। मेरे वीडियो कॉल को भी उसने अटेंड नहीं किया। आलिम,
इस पिक्चर को गूगल में सर्च करके देखा तो तुम इस वक्त गारिया नाम की जगह पर हो, ये मैंने पता लगा लिया है। तुमने उसे इतने सारे पिक्चर्स क्यों भेजे? मैसेज करके मैं बताती हूँ कहाँ हूँ तब बात करता है, और जहाँ पर हूँ उसकी फोटो भेजती हूँ, ये मेरी आदत है बुआ। उसने कभी अपनी फोटो भेजी? कभी नहीं बुआ। सुष्मिता, कल गारिया नाम की जगह पे था, आज मैं वहाँ नहीं हूँ, दूसरी जगह पे हूँ। किसी भी तरह से इससे न्यूज निकलवानी है। नेहा कहाँ है उससे पूछकर फोटो मंगवाती हूँ और वो फोटो लेकर भेजती हूँ। अभी भी वो इसे फॉलो कर रहा है। अभी कहाँ पर हो फोटो भेजो, पता लगाकर बताती हूँ। मिनिस्टर कुमार वेलराजन, मैंने उससे पूछा तुम कहाँ हो तो इनकी फोटो क्यों भेज रहा है? इटली में बिजनेसमैन से मिले सेंट्रल मिनिस्टर कुमार वेलराजन, इस वार्ता का मकसद इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लाना है। We are really proud to start an Indo-Italian collaboration. India is the second largest population in the world. Therefore, we have come here to help start new companies in this country. तुम अभी इटली में हो? भाई फारूक, मिनिस्टर इटली में है लेकिन ये इटली में नहीं है ऐसा कह रहा है, इसका मतलब ये तो अरबिक में लिखा है, कॉपी पेस्ट। वाह, इटली का यही बॉर्डर है, इसका भी यही बॉर्डर है, इसका मतलब मिनिस्टर अनऑफिशियली किसी से मिल रहे हैं। डालती हूँ, देखते हैं क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय तबके से तलाश किए जाने वाले आतंकवादी के साथ केंद्रीय उद्योग मंत्री मिस्टर कुमार वेलराजन का मिलना, उस समय की फोटो थर्ड आईज ऑनलाइन चैनल में दिखाई जा रही है और फोटो वायरल हो रही है। सुपर है ना? हेलो मिनिस्टर कुमार वेलराजन, वहाँ जो टेररिस्ट मिला था वो पिक्चर तुमने अपलोड किया था ना, वो सेंसेशनल न्यूज बन चुकी है। ओके, मिनिस्टर के साथ जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं, मैं ये समझ क्यों नहीं पाई। क्या औद्योगिक मंत्री कुमार वेलराजन का पद निलंबित किया जाएगा? औद्योगिक मंत्री कुमार वेलराजन, मिनिस्टर के साथ जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं,
तो आलम भी टेररिस्ट है, वरना वो फोटो कैसे निकाल कर भेज सकता था। मामला तो उलझता ही जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ, प्लीज वेट, आई विल शट आउट। मुंह बंद रखो, चलो। सर, मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया है। पूरे इंडिया में इनके 13,500 पेट्रोल पंप हैं। सर, उस बेस पर उधर एक ऑयल यूनिट स्टार्ट करने के मामले में वो चारों टेररिस्ट से मिले थे। यहाँ के ऑयल से कमाया हुआ पैसा इंडिया में रहने वाले उनके टेररिस्ट ग्रुप को देने की डील हुई थी सर। सचमुच में ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है सर। इंडिया के किसी भी स्टेट में पैसों की जब जरूरत हो तो उनके पेट्रोल पंप से कांटेक्ट करके पैसे ले सकते हैं। मंत्री कुमार वेल राजन प्लेन हादसे में गुजर गए। विमान में हुए टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। टेक्निकल मतलब प्रॉब्लम ही होता है यार, वो विमान हो या सरकार, मतलब उसका फॉल्ट ही होता है। मंत्री कुमार वेल राजन की विमान दुर्घटना में मौत। जब भी कोई मुश्किल होती थी तब सबसे पहले तुम सामने आकर खड़े होते थे, लेकिन जब से तूने ये घटिया प्यार किया है तब से तू आखिर में खड़ा है। आलम, सब कुछ खोकर अपने खुद के देश में छिपकर इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं, ये तू भूल गया क्या? टेक्नोलॉजी में तू स्ट्रांग है, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मोबाइल नेटवर्क एक्सेस तुझे देकर काम करने को बोला है, और तूने मिनिस्टर का फोटो निकाल कर पोस्ट किया। जब मुझे शक हुआ तभी तुझे मार देना चाहिए था, लेकिन तेरा मरना काफी नहीं। ये ले और पूछ कि कहाँ है वो, पूछ पूछ उससे। इस सवाल का जवाब देना होगा क्या? पता नहीं किस तरह का आदमी है वो। सुष्मिता, जल्दी रिप्लाई दो। जो होगा देखा जाएगा, कुछ न्यूज तो मिल जाएगी, बताकर देखती हूँ। सुष्मिता, जवाब दो। इंडिया में कहाँ रहती हो तुम? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां पर? चेन्नई 7x11 डिफेंस ऑफिसर्स कॉलोनी गिंडी। सुन आलम, वहां अपने आदमियों को एड्रेस भेज और उनको बोल कि जा करके उस लड़की को खत्म कर दे, उसे मरना होगा। इस वजह से सुष्मिता को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ओके, ऑलराइट। सर, we arrested the people who were in front of the school. Have you seen the CCTV footage? Yes. That means आलिम कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने ऑयल कंपनी ओनर्स को मारा है। उसे हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
भाईजान मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ ये उसूलों के खिलाफ है, पर वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। भाईजान आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, इन लोगों को मैं देखता हूँ। सावधानी से इस्तेमाल करना। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। इस फेसबुक अकाउंट को पूरी तरह से डिलीट करके मुझसे नए अकाउंट से बात करो। वहाँ के लोगों को यहाँ जो कुछ हो रहा है उस बारे में कैसे पता चला? ब्लॉक करके रखा है। लगता है नया अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। बहुत डेंजरस आदमी लग रहा है। सुष्मिता की पिक्चर नहीं डालती। पर क्यों? किसी को हमारे बारे में पता ना चले, इसलिए ये मेरा खुद का बनाया हुआ ऐप है। ऐप क्रिएट कर सकता है इतना बड़ा आदमी है? ए आलम, सुष्मिता के नाम पर चैट करने की वजह से तू जो बोल रहा है सब कर रही हूँ। अगर यही तो मेरे अकाउंट में आ गया होता ना तो। सुष्मिता, तुम्हारा फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड करो। फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। नहीं करूंगी। तुम्हारी फोटो मैं सेव करके नहीं रख सकता, और तुम्हारी फोटो देखकर मेरे दिन की शुरुआत होती है। मेहरबानी करके अपनी फोटो अपलोड करो। तुमसे पहले गुस्सा और आंसू ही मेरी जिंदगी में थे, तुम्हारी फोटो देखने के बाद ही मैंने शर्माना और मुस्कुराना सीखा है। सुनिए, क्या है? ऊपर से वो शनि यहाँ आई थी क्या?
सुनिए, ये यहाँ पर कब आई? मैंने तो इसे देखा ही नहीं। अरे रे रे, देख रही है वो फोटो क्यों निकाल रही है? पता नहीं। थोड़ा स्माइल करो। ओके। अच्छा हुआ मैं बच गई। अरे बाप रे, ये तो रुक गई। लगता है हम फंस गए। अरे तुम चुप करो। भगवान की पूजा करने के लिए हैसियत का होना जरूरी नहीं है। दूसरों की कमाई पर घर पर बैठकर तीन वक्त का खाना खाना कुछ लोग अपना स्पेशल हुनर समझते हैं। विश्वास मत करना, संभल कर रहना। इसकी चाल तो देखो, घमंडी कहीं की। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम अपनी फोटो अपलोड करोगी? मैं अपनी फोटो अपने प्रोफाइल में लगाऊंगी तो तुम अपनी फोटो भेजोगे क्या? गाड़ी को रोको। रुकिए रुकिए रुकिए। इसका नाम क्या है पूछो? क्या नाम है? भवानी। काम क्या करती है पूछो? काम क्या करती है? रिपोर्टर। आरसी बुक, आईडी, लाइसेंस निकालो। रुक। लाइसेंस। एक मिनट। इंश्योरेंस पेपर। रुक रुक। वहाँ पे मिलता होगा रिसेप्शन में। ए पांडे। सर, डाउट केस में इसे गाड़ी में बैठाओ। क्या रे, इतना चिपक के बैठा है? चल दूर हट। ए, चिपक के बैठने दे। चिपक के बैठने के लिए ही उसे बैठाया है। बैठने दे। ये साहब तो हमेशा अकड़ में रहते हैं। सुष्मिता, तुम अपनी फोटो अपलोड करो, मैं अपनी फोटो तुम्हें भेजता हूँ। अभी नहीं होगा। ये लोग हमें मारने आए थे। क्यों? इन लोगों को जरा डराती हूँ। पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। मुझे बता, आखिर वजह क्या है? इन्हें किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई पसंद नहीं आया तो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, और पसंद आया तब भी कर लेते हैं। इंस्पेक्टर का नाम कृष्णमूर्ति, गिनती J3 पुलिस स्टेशन। ए, तू किसी से भी बात कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ए, गाड़ी रोक। ए,
नीचे उतर। अरे मैडम आप कहाँ जा रही हो? आप बैठी रहो। बहुत उड़ रही थी, इसे एक घंटे के लिए यही छोड़ के तुम लोग बाहर घूम के आ। सर, सर, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। रखो पुलिस हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। आज के बाद इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी। सर इस शूट आउट को देखकर लोकल गुंडों का काम नहीं लग रहा है ये। छोड़िए सर, चलो चलो। सारे देश के मर्दों को प्यार करना अच्छी तरह से आता है, लेकिन कंटिन्यूस प्यार करना नहीं आता। तुम अपनी फोटो भेजो। ये मिलिट्री मैन है क्या? पर इनमें से कौन सा है? यही हो ना तुम? Ha ha ha!
सुष्मिता, मैं मिलिट्री मैन नहीं हूं। मैं एक हादसे में अपनी फैमिली को खो चुका हूं। उस देश में वॉर क्यों हुई थी सर? वो अफ्रीका में एक छोटा सा देश है बेटी। वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनके पास घर नहीं था, समझदार नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। भूखे प्यासे रहकर टेंट में अपना जीवन बसर कर रहे थे। वो 24-25 साल की उम्र में राजनीति में आ गया था, तभी से उसका खेल शुरू हो गया। अपना देश ऑयल रिफाइनरी से भरा हुआ है ये पता लगाकर उस देश को लोग लूट रहे थे, तेल के कुओं को हड़पने के लिए। उसने सबको मार के भगाया और वहाँ के वाशिंदों के लिए घर बनवाया, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिसिन, हर तरह की व्यवस्था करवाई और अफ्रीका को नंबर वन कंट्री बनाया। उसने अमीर देशों के साथ ऑयल बिजनेस करने से मना कर दिया। सिर्फ इन लोगों को ही दूंगा, ये सुनकर कंट्रोल करने वाले देश खामोश रहते क्या? उस प्रेसिडेंट के खिलाफ उस देश में एक ग्रुप को तैयार करके उनके बीच दंगा करवाकर उस देश की जान माल की हानि पहुंचाने के साथ साथ उस देश की जनता को 2011 में वहां से खदेड़ने की कोशिश में सबकी जान ले ली गई बेटा। बहुत से लोग मारे गए। उसके बाद पंचायत करने के नाम पर अंदर घुसकर एक खिलौने की तरह सरकार बनाकर उसने रूल करना शुरू किया। जिस तरह इंग्लैंड वाले इंडिया को लूट कर यहां से चले गए, वैसा ही काम इसने भी किया। अभी उन बच्चों का क्या हुआ होगा सर? अगर जिंदा बच गए होंगे तो पक्का टेररिस्ट बन गए होंगे। टेररिस्ट? हाँ, वहाँ उस वक्त के हालात भी वैसे ही थे। लोग मजबूर थे तो फिर टेररिस्ट ही बनेंगे ना। मैं स्टूडेंट हूं, तुम कौन हो? कम ऑन फास्ट। पैसा कमाने वाला मनी माइंडेड हूं, करोड़पति हूं, राजनीति के बारे में जानकारी रखने वाला राजनेता हूं, इंसाफ के लिए लड़ने वालों में से, न्यायवादी नहीं आतंकवादी हूं। मैं दुनिया की नजरों में आतंकवादी हूं सुष्मिता। तुम्हारी उम्र क्या है? 17 साल का हूं। स्कूल में पढ़ाई की उम्र है। तुम अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर हमारी तरह आम जिंदगी नहीं जी सकते? मैं अपने न्याय और अधिकार मांगने के लिए आम इंसानों की तरह एप्लीकेशन में विनम्रतापूर्ण लिखकर नहीं मांग सकता। मैंने अपने अधिकार खुद लेना सीख लिया है। हम आजाद देश में रहते हैं तो फिर भला हम किसी से अधिकार क्यों मांगे? करेक्ट। अधिकार को विनम्रता पूर्वक मांगना चाहिए, ये सिखाने वाला गुलाम कौन है रे? स्कूल में छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट देना ये तो ठीक है, पर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र के लिए रिक्वेस्ट देना, आयकर विभाग से भी रिक्वेस्ट करना,
घर बनाने के लिए परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करना, पानी के लिए, बिजली के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सब चीजों के लिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं। अगर इस देश में सभी राजा हैं तो फिर राजा को किसी और से क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ती है? ए आलम, तो एकदम आजाद है रे। सुनिए, ये पूरी पागल हो गई है क्या? इस देश में रहने वाले सारे लोग गुलाम ही हैं। पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने वाले, नाले में रेंगने वाले कीड़े हैं सब। तू तुम्हारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है? एक ही ख्वाहिश है सुष्मिता, अपनी जिंदगी में तुम्हें बस एक बार सामने से देखना है। मेरी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, पता नहीं किस गोली पे मेरा नाम लिखा होगा, इसीलिए जल्दी मिलने की इजाजत दे दो। अगर मैं सुष्मिता होती तो इसका अलग ही जवाब देती। मैं सुष्मिता क्यों नहीं हूं यार? मैंने पागल बोला, इसने सुन तो नहीं लिया? क्या हुआ? सांबर, क्या हुआ? सुष्मिता को बुलाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ बात करनी है। सुष्मिता? हाँ? एक मिनट इधर आओ। बुआ? बात करके भेज दूंगी इसे। क्या बात है बुआ? कोई बात नहीं, खूबसूरत है तू, जा। उड़ तू रे मेरी अदा। सांभर, तू नहीं किसी से कम। तुम्हें खाने के लिए कहा था। खुद को तू खोज रे, कोई ना तुझे है गम। सपनों से आगे बढ़ के अपना जहां तू चुन ले। सुन ले रे मन, गा कोई धुन, जंगल से जा निकल। उड़ तू रे मेरी अदा, तू नहीं किसी से कम। खुद को तो खोज ले, कोई ना तुझे गम। सपनों से आगे बढ़ के अपना जहां तू चुन ले। सुन ले रे मन, गा कोई धुन, जंगल से जा। क्या करे ये दिल पागल, मुझको तू समझा दे। ओ यारा, तू जो मुझे ना मिले, दिल ये मेरा तो कहीं ना लगे। तुझसा नहीं कोई हमने देखा नहीं, तू ही तो है दुनिया मेरी। यारा मेरे तू सुन ले, रहना
मन मेरी सुन बोले जो दिल और हम क्या कहें, तुम हो मेरे दिल की धुन जान ले यार वे, तुझसे कहता है दिल मुझसे तो ऐसे ही मिल, याद में नींद में यार वे, सुन ले रे मन गा कोई धुन जंगल से जा। तुम जहाँ रहते हो वो जगह, तुम जो खाते हो वो खाना, तुम्हारी लाइफस्टाइल, ये सब देखकर बहुत दुख होता है मुझे। अरे कॉल कर रहा है। कॉन्टैक्ट नहीं करूंगी। डेटा ऑन करूं या नहीं? बाप रे, आज तुम्हारा एक चौंकाने वाली न्यूज इंतजार कर रही है। चौंकाने वाली क्या? एक हफ्ता तुमसे बात ना होने की वजह से आज तुम्हें करीब से देखने के लिए तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा हूं मैं। ये सच में क्या आ गया होगा क्या? ये तो सच में आ गया है। अगले 15 मिनट में मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर तुम मैसेज के जरिए मुझसे कांटेक्ट बनाकर रखती तो शायद तुम्हें करीब से देखने की इच्छा आज मुझे तुम्हारे स्कूल तक लेकर नहीं आती। ये सुष्मिता से बात करेगा और वो इसे पहचानने से इनकार कर देगी। स्कूल छूटने से पहले मुझे उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। He's back online. Play. माफ कर देना सुष्मिता. Let him chat more. Keep him busy. Now. किस लिए? सुष्मिता, मुझे तुम्हें करीब से देखना है। अपने साथियों से बचने के लिए मैं पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आया था। जब उन्हें इस बात का पता चला कि मैं तुम्हें देखने के लिए अपने दोस्तों से छुप कर गया था तो उन्होंने मुझे उसके लिए सजा दी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया।
वो लोग तुम्हारे नए फेसबुक अकाउंट का पता लगाकर तुम्हें मार डालेंगे। इस बात का मुझे डर लग रहा है, इसलिए तुम अपनी फोटो डिलीट कर दो जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी जो एक ख्वाहिश थी वो मुझसे छीन गई सुष्मिता। Shit, it's gone offline. बाप रे, कैसा लड़का है सर ये? इस सिचुएशन में भी जिस लड़की से प्यार करता है उसे कुछ नहीं होना चाहिए ये सोच रहा है। यही है लड़कियों के घायल होने की वजह। Send the CCTV footage to the head office immediately. Hey, alarm's message. Play it. सुष्मिता, तुम्हें करीब से देखने की मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। शायद ये मेरा आखिरी मैसेज हो सकता है। मेरे मरने के बाद मेरे लिए रोने वाला या मुझे याद करने वाला कोई नहीं है, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन तुम मेरे लिए रोओगी। तुम जब तक जिंदा हो तब तक मुझे अपनी यादों में रखोगी, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ सुष्मिता। I love you, बोलने बोलो। Come on. भवानी, अपने भाई को फोन लगाकर बात करो। बेन, क्या किया तूने? 15 दिन से पुलिस वाले हमारे घर पर डेरा डाले बैठे हुए हैं। बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। मोबाइल भी छीन लिया उन लोगों ने। हम सबको घर के अंदर बंद करके रखा। क्या हुआ है? तुम कहां पर हो और घर कब आओगी? भवानी, भवानी, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो सुष्मिता को उठाकर यहां लाकर चैट करवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ए भवानी, यू नो व्हाट, गन यूज करने से पहले चेक करो कि लोडेड है या नहीं। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? पुट द गन डाउन, रिलैक्स। Put it down, I said. Alam, I love you. ऐसा सोच रहे हैं ना, प्यार बस एक शब्द नहीं होता है, कुछ और ही होता है। तुम्हारे यहाँ लव का मतलब बेड शेयर करना होता होगा। हमारे देश में प्यार का मतलब थिएटर, बीच, पार्क, ऐसी जगहों पर एक दूसरे का हाथ थामकर घूमना। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इस प्यार को समझने के लिए एक अलग मन और दिल चाहिए। अब मुझे क्या करना है? Tell him that you want to meet him. आलम, मुझे तुमसे मिलना है। तुम नहीं जानती मैं कितना बेबस हूं सुष्मिता। इस हालत में मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा। I'll come. Tell him. मैं आती हूं। तुम यहां आ सकोगी क्या? बताओ मुझे। हाँ, आ सकती हूं। लगता है मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैं बहुत जल्द मिलने
जाने का समय और जगह बताता हूँ सुष्मिता। यस। Yes. तुम्हारा प्यारा आलिम। मुझे उस देश के बारे में अच्छी तरह से पता है सर। इस हालात में मेरी बेटी को वहां लेकर जाएंगे और फिर उसे जिंदा वापस लेकर आएंगे, मैं कैसे विश्वास करूं? राजन, इनका प्लान यही है, आपकी बेटी के जरिए उनको पकड़ना है। एक लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला था, लेकिन तूने तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम में फंसा दिया। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। वो आपसे परमिशन लेने नहीं आए हैं, वो उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। इस बारे में आप अपनी बेटी से कुछ मत बताइएगा, उससे कहिए कि जाकर विदेश घूम कर आओ। भवानी उसके साथ ही रहेगी, मैं भी रहूंगा, आप डरिए मत। ये सब लोग कौन है बुआ? फ्रेंड्स। ओह, सुनो, मैं उसे सीबीआई या गवर्नमेंट के भरोसे नहीं भेज रही, तुम्हारे भरोसे भेज रही हूं मैं। मैंने बस अपनी बेटी के बारे में सोचा है, लेकिन तुमने नेहा की भलाई के बारे में भी सोचा। तुम्हें कोई कैसे पसंद नहीं करेगा? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, ये किसी को पता ना चले इसलिए दिखावा करती थी। मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ, इसका मुझे बहुत दुख होता है। तुम मेरी बहन, मेरी पड़ोसन या मेरी फ्रेंड होती तो मैं तुम्हें सर पे बैठा कर नाचती, लेकिन तुम तो मेरी ननद हो। तुम्हारी प्रॉब्लम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका दिखावा करती थी, पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सुष्मिता तुम्हारी तरह बनना चाहती है, मैं जानती हूँ, पर वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। मेरी तरह उसे भी कुछ भी पता नहीं है, वो डरपोक है। सुनो, मुझसे वादा करो, चाहे कुछ हो जाए पर मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। सुनो, मुझे तुम भी चाहिए, सही सलामत वापस आना। विश्वास ही नहीं हो रहा है बुआ, माँ ने मुझे फॉरेन टूर पर भेजा है, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे भी अपनी जान देकर तुझे बचाऊंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। ऑफिस से आलिम खान है, उसको पहचानने के लिए स्केच आया है। आज के बाद मोबाइल यूज मत करना, सुष्मिता को अकेले जाने बोलो, आलिम और उसके लोग हमारा पीछा कर रहे होंगे। ये बात मुझे इंडिया में क्यों नहीं बताई? वो मासूम बच्ची है, उसे अकेले कैसे भेज सकती हूँ? और कोई रास्ता नहीं है, अकेले जाने को बोलो। सुष्मिता, अब से तुम और मैं अलग अलग रहेंगे, बाहर कार वेट कर रही है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। ओके बुआ, लेकिन मैं अकेली जाऊं, मुझे डर लग रहा है। तुम बुआ, कहती थी ना मेरे जैसे बनना, तो जाओ बुआ। जाओ।
The flight is landing on time and they can call any time. Oh guys, it's work. Excuse me, attention, all of you, just listen to this, okay? Just concentrate. Yeah, we fixed here, don't worry. Record this call. Right now. His name Alim, right? Listen, no one can override International Human Rights Organization. Thank you. मेरा सफर यहीं तक था। अब तुम्हें आगे अकेले जाना होगा बेटा। डरना नहीं, खुदा हिफाजत करेंगे। वो सामने वाला घर है, वहां चले जाओ बेटा, अंदर।
चाचा जी, सुष्मिता क्या वो आपको मिली? हाँ, मैं उसे घर पे छोड़ आया। आप सच कह रहे हैं ना? जा बेटा आलम, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। आलम उसके साथ चैट करने की वजह से वो उसको अच्छे से पहचानता है, इसलिए अब तक मैंने उसे अनदेखा किया। वो सुष्मिता अकेले नहीं आई होगी, उसके पीछे जरूर सीबीआई के आदमी आए होंगे या बिजनेसमैन आए होंगे। चाहे उसके साथ जो कोई भी आए हो, उन्हें हमारी धरती पर मरना ही होगा, यही हमारा मकसद है। और इस बारे में आलम को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर इसमें आलम की मरने की नौबत आए तो मर जाने देना उसे। अगर जीते तो लीडर बनेंगे, हारे तो आतंकवादी। आलम, अपना फोन मुझे दो। मैंने कहा ना, अपना फोन मुझे दो। अब चलो, ये गन भी मुझे दो। तो इधर ये ले, इसे पकड़। अल्लाह तेरी हिफाजत करे। तुम्हें जो मोबाइल दिया है ना, उस रिपोर्टर को भी अरेस्ट कर लिया है। तुम जैसा सोच रही हो, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से आकर आलिम को कोई बचाने वाला नहीं है। उन पांच लोगों में से एक मैं भी हूं, फिर मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? आलिम को बचाने के चक्कर में ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम प्रॉब्लम में फंस जाओ। वो लोग तुम्हें और सुष्मिता को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। तुम दोनों को सही सलामत इंडिया वापस ले जाना है, यही मेरा टेंशन है। आलम, प्लीज यहां मत आना।
बंदूक का आविष्कार इन लोगों ने किया, उसे बेचना है। पैसे देकर जिसने खरीदा है वो उसका यूज करेगा, इसलिए वो गोली चला रहे हैं। बस इतना ही। तुम अंदर जाओ, तुम यही रहो, मैं आती हूँ। आलम, आलम तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम सुष्मिता?
तुम कौन हो? सुष्मिता कहाँ है? ये सब बताने का टाइम नहीं है आलम, यू जस्ट एस्केप, जितनी जल्दी हो सके निकलो वरना वो तुम्हें पकड़ लेंगे। ओफो, अब मैं क्या करूं? आलम, यू जस्ट एस्केप, दीज पीपल आर ओनली टू कैच यू। कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, मैसेज भेजती हूँ शायद समझ में आ जाए। इनमें से आलिम कोई नहीं है, उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह सब उसने सुष्मिता के लिए किया तो वो जरूर कहीं आसपास ही होगा। अगर हम इसको मार देंगे तो वो बाहर आएगा। ए, तुम उसको ढूंढ कर निकालो, मैं सुष्मिता को मारने की इजाजत नहीं दे सकता, मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूं। शूट सुष्मिता। सुष्मिता, आई लव यू। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे सुष्मिता। सुष्मिता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम अगले जन्म में मिलेंगे। आई लव यू।
बुआ, ये आलिम कौन है बुआ? अगर हमारे देश में संसाधन होते तो हमारे जैसे देश को आगे बढ़ाने वालों को गोली खाकर मरना ना पड़ता। तुम्हारे देश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं सुष्मिता, उनसे बच के रहना। आलिम, आलिम, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक सच्ची जर्नलिस्ट बनूंगी और देश के लिए काम करूंगी, पर आलिम ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी सोच बदल दी और ये उसी का इनाम है। उसी ने मुझे ये हिम्मत दी है।